हरी ओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि शुरुआत जो लॉगिन से हमने स्टार्ट किया था यूआई, उस चीज़ को हम यूज़र नेम और यानी कि क्रेडेंशियल्स के साथ हम वेरीफाई कैसे करें, तो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ वेरीफाई कैसे करें। तो जो टेबल हमने रजिस्टर का किया था उसके अंदर के यूज़र नेम और पासवर्ड से हम वेरीफाई करेंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि लॉगिन डॉट पी एच पी मैंने ऊप फोल्डर के अंदर बना के रखा है। और अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको एक जो रेफरेंस जो इंडेक्स पेज में सबमिट बटन पे हमने जो किया था उस चीज़ को यानी कि लॉगिन लॉगिन बटन के यहाँ पर डायरेक्टली नेविगेशन होना चाहिए, यानी कि ये बटन जो दिख रहा है आपको लॉगिन बटन, इस पे डायरेक्टली क्लिक करने पे हमारा जो है लॉगिन डॉट पी एच पी ओपन होके वेरीफाई करके आउटपुट देना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए हमने ये फाइल बनाई है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंक्लूड स्टेटमेंट से। तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर डॉट पी एच पी में से कुछ कोड भी लूँगा मैं, पर सबसे पहले इंक्लूड जो कनेक्शन के लिए हमने बनाया था वो यूज़ करूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं क्लास बनाऊँगा सी लॉगिन करके। ये क्लास बना तो अभी इसके साथ ही मैं इंस्टेंस भी नीचे पहले ही डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि काम आसान हो। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, पब्लिक फंक्शन वेरीफाई यूज़र क्रेडेंशियल। और क्रेडेंशियल्स यहाँ पे वेरीफाई होंगे ये फंक्शन में। तो कैसे होंगे, सबसे पहले तो इंस्टेंस कनेक्शन का बनेगा। तो कनेक्शन का इंस्टेंस के लिए मैं ये कोड कॉपी करूँगा जो बना हुआ था आपने पहले के एपिसोड्स में देखे हुए थे। बस अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, एरो ऑपरेटर का यूज़ करके कुछ इस तरह से। ये एक बार हो गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट क्वेरी से पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूआई का यूज़र नेम इंटीग्रेट करेंगे और पासवर्ड का भी डेटा जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो यूआई का जो डेटा है वो यहाँ पे पोस्ट से आएगा, क्योंकि हमने मेथड पोस्ट दिया है इसलिए। और यहाँ पर यूज़र नेम का होगा, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी में यूज़र नेम क्या दिया था। तो नेम था यूज़र नेम, पासवर्ड था पासवर्ड, तो इसलिए हम वही नाम यूज़ करेंगे पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ किया। ये हुआ यूज़र नेम, इसके बाद ये हुआ पासवर्ड। तो ये आ गया डेटा। अभी हम आगे की क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे होगी सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी लिखने से पहले डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड है और टेबल जो है टीबीएल रजिस्टर करके है। तो इसी चीज़ से हम वेरीफाई करेंगे, पर उसके पहले यहाँ पर सिंगल कोट देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू में होगा। पर अगर सिंगल कोट में हम उसे रैप ना करें तो वो एरर देगा हमें डेटाबेस के लिए। तो इस चीज़ का आप भी यूज़ कर सकते हो और इसे ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि ये सिंगल
कोड जो है ज़रा कॉम्प्लेक्स दिखता है ऐसे ही ये सिंटैक्स में, इसलिए ये हो गया। तो अभी हम सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट में तो हम ये जो है रिवर्स इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये चीज़ ये आप जो देख रहे हो यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ ना करो फिर भी कोई बात नहीं, पर ये जो है एज अ लेजिटिमेट सिंटैक्स है डेटाबेस के लिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लेंगे फ्रॉम TBL रजिस्टर। इसके बाद वेयर क्लॉज, वेयर फिर से यूज़र नेम, इक्वल्स। तो अभी दोस्तों ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ गया, और यहाँ पर भी हमने पहले से इन्वर्टेड कॉमा दे के रखा है सिंगल कोट वाला, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे थे ये। ये हुआ, और इसके बाद एंड पासवर्ड इक्वल्स UI पासवर्ड। तो ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हमें यूज़ करना है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसे हम सबसे पहले एक वेरिएबल में पुट करेंगे, एग्जीक्यूट सिलेक्ट क्वेरी करके ऐसे लिखते हैं। इसके बाद माय एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेरी से पहले कनेक्शन आने वाला है। तो कनेक्शन ये है जो हमने कनेक्शन क्लास में बनाया था, और उस कनेक्शन में क्या है, एम कनेक्शन। ओके, हम देख लेते हैं उसमें क्या था। एम अंडरस्कोर DB कनेक्शन था, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद ये कनेक्शन पास हुआ एज अ पैरामीटर। MySQL क्वेरी के दो पैरामीटर होते हैं, वो MySQL के थे जिससे इसके पहले जो मैंने निकाल लिए। तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी का ये है, और इसके अंदर ये जो सिलेक्ट क्वेरी है इसे ये स्टेटमेंट को हम पुट करेंगे। तो ये यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, नहीं तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी में हम देखेंगे कि उसके जो रो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो हम नम रोज़ का यूज़ करते हैं। नम रोज़ इसीलिए यूज़ होता है कि हम देखें कि रो 0 है यानी कि एम्प्टी है, या फिर 1 है, या फिर ग्रेटर देन 1 है, 0 है, तो कुछ इस तरह से होता है। और ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली इको प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर वैलिड हुआ तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ डेटा रहेगा। तो बंच ऑफ डेटा कैसे रहेगा, ऐसे। तो हमें लूप चला के ही जो है रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड को, क्योंकि हर बार एक लूप चलेगा, हर बार एक यूज़र नेम चेक होगा और पासवर्ड भी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, रो करके दूंगा मैं, क्योंकि वो कॉमन है, कॉमनली रो ही यूज़ करते हैं क्योंकि डिटरमाइन करने के लिए, और सबसे कंसाइज वर्ड है ये। इसके बाद हम कुछ ये सिंटैक्स लिखेंगे, तो ये क्या है वो भी बता देता हूँ मैं, फेच अ सॉक। तो दोस्तों यहाँ पे ये फेच असॉक क्या करता है, एक एसोसिएटिव एरे बनाता है जिसमें हम क्या करते हैं,
की वैल्यू पेयर में जो है वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है। तो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होगी और उसी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यूज़र नेम, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, तो इस वेरिएबल को ही हम यूज़ करेंगे, रो ऑफ। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट क्वेरी लिखा था वो इस चीज़ का था, तो हमने इसी को यहाँ पे पुट किया। तो ये क्या हुआ, की, यूज़र नेम हुआ की, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो डेटाबेस में से वैल्यू आएगी। तो ये है एसोसिएटिव एरे। तो फेच असॉक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में फेच असॉक रहता है, नहीं तो माई एसक्यूएल आई फेच असॉक करके प्रोसीजरल में रहता है अप्रोच में। तो ये सिंटैक्स है, और यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी हम वैसे करेंगे। पासवर्ड जो हमने यहाँ से लिया सिलेक्ट क्वेरी में, वो यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में सबसे पहले तो इनवैलिड डालूंगा, 1 2 3 4 5 डेटाबेस में है ही नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वैलिड, चलो वैलिड देखते हैं कौन सा है, सिंपल लेंगे 1@gmail.com। तो ओके, हम ABC लेते हैं। तो ABC, ओके ABC यहाँ पे है, और इसका पासवर्ड जो है ABC@123, ABC@123। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो गया दोस्तों। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड बता रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड गलत दिया तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएगा, और अगर वैलिड दिया तो वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो ये लॉगिन का पार्ट है, इसमें मैंने सेशंस का यूज़ नहीं किया है दोस्तों। तो हमने आज क्या किया, सबसे पहले तो कनेक्शन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया ऑन लॉगिन बटन। तो यहाँ पे एक फोल्डर पीछे जाके, जो मैंने पहले आपको बताया था पहले के एपिसोड में, उस तरह से login.php यहाँ पे फाइल है, उसे एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया, login.php में हमने पहले कनेक्शन जो है रियूजेबल बनाया था, उसे कॉल किया, इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने क्लास बनाया सी लॉगिन करके, और उसके बाद तुरंत हमने इंस्टेंस बनाया, और जो मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसी मेथड को हमने नीचे कॉल किया। ये एक बार हो गया दोस्तों। तो उसके बाद हमने कनेक्शन जो है हमें मिला था उसी चीज़ का हमने इंस्टेंस बनाया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में हमने जो है सब स्टोर कर दिया जो कनेक्शन क्लास में था, डीबी हेल्पर के, कनेक्शन डीबी हेल्पर। तो यहाँ पर इसके बाद हमने यूआई और पासवर्ड जो है उस चीज़ का यूज़ किया, जो होता है index.php से रेफ़र। तो इसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट क्वेरी यूज़ किया है। सिलेक्ट क्वेरी में हमने जो है सिलेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिया, क्योंकि हमें दो फील्ड्स को वेरीफाई करना है और एक्सट्रैक्ट भी करना है, इसलिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया। और वेयर क्लॉज के अंदर हमने क्या किया, वेरीफाई किया कि यूज़र नेम वही है क्या डेटाबेस से, ये डेटाबेस का कॉलम है और ये यूआई का वैल्यू है। अगर रहेंगे नॉन एम्प्टी तो यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो में आ जाएंगे, अगर एम्प्टी रहेंगे तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड में आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूट हमने सिलेक्ट क्वेरी कैसे किया, माई एसक्यूएल क्वेरी से, अंडरस्कोर क्वेरी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कनेक्शन क्लास का, उसमें से हमने कनेक्शन वेरिएबल m_db कनेक्शन को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने से एक्सेस किया, और उसके बाद हमने सिलेक्ट क्वेरी जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पुट कर दिया एज अ पैरामीटर। इसके बाद अगर रिजल्ट 0 से ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमने एक फॉर लूप के अलावा हमने वाइल लूप चलाया। तो यहाँ पे वाइल लूप है। तो वाइल लूप में क्या होता है दोस्तों, इटरेट करते हैं हम हर एक रिकॉर्ड से, हर एक टपल, रिकॉर्ड टपल रो जो आप बोल सकते हो, डेटाबेस में इन वर्ड्स का यूज़ होता है रो को डिटरमाइन और डिस्टिंग्विश करने के लिए।
तो ये वाइल लूप में हमने एक रो का वेरिएबल बनाया, और उस रो के वेरिएबल में हमने क्या पास किया, जो हमें एग्जीक्यूट सिलेक्ट क्वेरी मिली थी उसकी एसोसिएटिव एरे हमने पास की, जो की वैल्यू पैर में होती है। तो ये मैप बोल सकते हो आप, हैश मैप बोल सकते हो दूसरे वर्ड में। तो इससे बाद में अगर वैलिड होगा तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है यहाँ पे हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके एसोसिएटिव एरे से। और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा। और इसी चीज़ को हमने एग्जीक्यूट करके भी देखा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आज के इसमें हमने सेशंस देखे नहीं हैं, पर हाँ यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड का, यानी कि यूज़र क्रेडेंशियल्स का। तो डेटाबेस के साथ ये अच्छा कॉन्सेप्ट और बड़ा कॉन्सेप्ट है, और सेशंस तो उसके बाद आता है, कुकीज़ भी आते हैं, पर हम सेशन से देखेंगे। तो आगे के लिए बने रहिए दोस्तों, और आगे के वीडियोस अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।